हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं लेह आता है, लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी है और सबसे बड़े शहरों में से एक है। तो हम काफ़ी दिन यहां थे, लगभग हम यहां 15-20 दिन यहां रहे। काफ़ी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमने लद्दाख को घूमने की कोशिश की और कुछ जगह छूट गई, जिसमें से हानले एक थी, सोमुरुरी एक थी। हानले पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, सोमुरुरी नहीं जाता है, लेकिन हमारे वक्त की कमी की वजह से हम हानले नहीं जा पाए। तो लद्दाख की कुछ जगह छूटी है, हानले, सोमुरुरी, जांस्कर, इन जगह छूटी हैं, वो उन जगह नहीं जा पाए। आज हम लेह से एक नई जगह पर निकलने वाले हैं, लेकिन फिर वापस लेह नहीं लौटने वाले इस यात्रा में। तो आज हम जाने वाले हैं लेह से कारगिल की यात्रा पर। लगभग 216 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। हम बस से जाने वाले हैं लेह से कारगिल। प्राइवेट बस जाती है। पिछली बार हम लेह से कारगिल वाली बस से लामायारू गए थे, तो उस बस का नाम था सागर, जो 6 बजे गई थी। और दूसरी बस जो आज हम जिससे जाने वाले, उसका नाम है सोहेल दोस्ती बस है, जो 6:30 पे पोलो ग्राउंड से चलती है। बस स्टैंड से नहीं मिलती है प्राइवेट बस, ये वाली बस आपको मिलेगी पोलो ग्राउंड, जो मोती मार्केट है उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पोलो ग्राउंड मिल जाएगा। तो वहाँ से बस जाने 216 किलोमीटर की हमारी यात्रा होने वाली है। कैसी यात्रा रहेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, बीच में क्या जगह पड़ेगी, सब हम आपको इस यात्रा में बताएंगे। तो 6:15 हो गए, 15 मिनट में आने वाली है। हम यहाँ घोड़ा चौक पर खड़े हैं। इसको महाराजा सिंगे नामग्याल चौक बोलता है। ये इधर रास्ता है एयरपोर्ट वाला, ये वाला चले जाएंगे तो इधर है सीधा लेह शहर की तरफ, और ये वाला रास्ता ले लेंगे तो से थिक्से पेंगोंग कारू, ये वो रास्ता है। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं लेह से कारगिल की यात्रा पर। हम बस में बैठ गए हैं और बस एयरपोर्ट हॉल ऑफ फेम से आगे निकल चुकी है। तो हमें मुझे सी के ड्राइवर साहब के जस्ट बगल वाले पे मिली है, यहाँ पे जो बड़ा सा केबिन रहता है उसी पे। और इसके टिकट हमने एक दिन पहले ही करा ली थी। और इसके अलावा अब रास्ते में हमें कई टूरिस्ट स्पॉट पड़ेंगे, जिसमें एक मैग्नेटिक हिल है और गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, संगम है जो ऊपर से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में फिर कई सारे गांव भी पड़ते हैं, तो एक कुछ टूरिस्ट स्पॉट आपको रास्ते में दिखाते चलूँगा। गुरुद्वारा पत्थर साहिब से निकल चुके हैं। तो टाइम हो गया है 8:45। हमारी बस एक जगह रुकी है थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। यहाँ पे लोग टॉयलेट जा रहे हैं थोड़ा, तो खुली जगह है यहाँ पे। जहाँ जो बस हम जब लामायारू जा रहे थे कारगिल वाली यात्रा से, ठीक उसी जगह पे रुकी है। तो ये है हमारी बस सोहेल दोस्ती। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये है नदी, ये सिंधु नदी है जो गुजरती है। तो यहाँ पे सभी लोग थोड़ा आराम से, थोड़ा खुली हवा में थोड़ा टहल रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक जगह है खालसी। तो जो पिछली बस थी वो तो खालसी में रुकी थी नाश्ते के लिए, ये वाली देखते हैं खालसी में रुकती है या नहीं।
9 बज गए हैं और हम आ गए हैं खालसी। खालसी में हमारी बस लंच के लिए रुक गई है और हम ये पिछली बार आए थे तब भी हम इस ढाबे पर रुके थे। ढाबे का नाम है परदेसी पंजाबी ढाबा और खालसी कुछ इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे ये ढाबे हैं, एटीएम है और ये हमारी बस खड़ी है तो यहाँ पे रुकी हुई। अब यहाँ से लगभग लामा यारू कुछ आगे 20-25 किलोमीटर दूर लामा यारू है, वो वहाँ पर काफ़ी फेमस मैन मॉनेस्ट्री पिलिहार हम आए थे तो कारगिल वाले रूट पे वहीं पे रुके थे। तो ये जो कारगिल पड़ता है या लामा यारू या खालसी, ये श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पड़ता है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1D। तो ये पड़ता है यहाँ से लगभग अभी कारगिल 120 किलोमीटर की और दूरी पर है। लामा यारू से आगे एक वो पड़ता है, हाँ पास भी पड़ता है फोटूला पास, तो उसको भी हम पार करेंगे। तो इस यात्रा में हमारे में एक पास भी होने वाला है। तो अभी लगभग हमारी 80-90 किलोमीटर की यात्रा हो गई है और लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा अभी रह गई है। तो आइए, हमने पराठा ऑर्डर कर दिया है तो पराठे का नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद निकलते आगे की यात्रा को बढ़ाते हैं। अभी हमारी बस ने लामा यारू को पार किया है। तो लामा यारू ले श्रीनगर हाईवे पे एक बेहद फेमस जगह, लोकप्रिय जगह है। यहाँ पे मॉनेस्ट्री भी एक बेहद पुरानी, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो पहाड़ हैं वो मून लैंड कहते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस वो चांद की तरह दिखाई देती है। तो वो भी पहाड़ भी अलग रंग के, थोड़े पीले पीले से, और आकार भी उनका थोड़ा अलग है। तो वो यहाँ देख सकते हैं। हम कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, लामा यारू रुके और लामा यारू को एक्सप्लोर किया था, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम लामा यारू पार कर चुके हैं, अब यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे। फोटूला पास आएगा, वो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके बारे में फोटूला पास पहुँच के बताऊँगा। गया है 10:30 और हम अभी फोटूला पास पहुंच गए हैं। फोटूला पास ले श्रीनगर हाईवे की सबसे ऊंची जगह है, और जो श्रीनगर ले हाईवे पे जो तीन पास हैं उनमें सबसे ऊंचा पास है। लगभग 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अब यहाँ से मतलब अगर ले श्रीनगर की बात करें जो हाईवे पे, तो तीन पास हैं, एक फोटूला, एक है नमिकला, एक है जौजिला पास। और अगर ले कारगिल की बात करें तो सिर्फ दो पास हैं, एक ये वाला है और दूसरा है नमिकला। तो अभी यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा नमिकला पास। तो अभी हम फोटूला पास हमने पार किया है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही नमेकला पास पार किया है, जो लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ से लगभग कारगिल 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और भैया ने बताया कि नमेकला मतलब नम मतलब आसमान, और ला मतलब पास मतलब पर्वत, तो आसमान को छूता हुआ पर्वत, तो उसी का नाम नमकीला है। तो अभी यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है, तो देखते हैं और भी कितना टाइम हमें कारगिल पहुँचने में लगता है। बारह बज गए हैं और हमारी बस आ चुकी है बखा नाम की एक जगह पे, तो यहाँ से लगभग अभी कारगिल 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ बस एक बार फिर से लंच के लिए रुकी है, तो ये हमारी बस है और ये कुछ पका इस प्रकार दिखाई देता है। तो अभी लंच तो करना नहीं है, पर ऐसे ही थोड़ा टहलेंगे, वॉशरूम जाएंगे, और फिर जब बस चलने लगेगी तो निकल पड़ेंगे। यहाँ पे कई सारे ये होटल हैं, ये भी दिख रहे हैं, यहाँ नाश्ता कर सकते हैं। तो ये कुछ होटल ढाबे टाइप हैं, तो वॉशरूम जाते हैं और फिर आराम मतलब बैठा जाएगा और फिर निकल लिया जाएगा, मतलब जब बस चलने पड़ेगी तो हम भी कारगिल की तरफ चल पड़ेंगे। तो अभी लगभग 1-1.5 घंटे हमें मेरे ख्याल से और कारगिल पहुंचने में भी लगेगा। एक बज के 30 समय हो गया, 1:30 और हम पहुंच गए हैं कारगिल। कारगिल भी लद्दाख में आता है और हमें यहाँ पहुंचने में लगभग 6.5 घंटे का समय लगा है, जिसमें 2 ब्रेक भी शामिल हैं आधे आधे घंटे के। तो अब हम यहीं पे आज का दिन हमें यहीं बताना है। तो यात्रा एकदम बढ़िया मतलब अच्छी रही, पूरा रोड दो बीच में दो पास भी मिले, और रास्ता एकदम पूरा हाईवे है, कहीं भी ख़राब नहीं है। हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 1। तो इस वीडियो को करते हैं ही ख़त्म, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, हमारी लद्दाख और बाकी जगहों की यात्रा में साथ बने रहिए।